गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्लस वन केमिस्ट्री के अंदर हैं और हमारा लास्ट वीडियो में टॉपिक चल रहा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इसीलिए लिखा हुआ बेटा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम कंटिन्यू है। जिन लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें एक बार प्लीज़, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब सुनिएगा, लास्ट वीडियो में इससे पहले रदरफोर्ड का बेस यानी कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की सेटअप दिखा दी थी। अगर आपको याद हो तो वुडन कैविटी में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा, उसके अंदर से स्लिट अरेंजमेंट करके गोल्ड फॉइल के ऊपर स्कैटर किया था और सराउंडेड जिंक सल्फाइड स्क्रीन से हो रही थी। उसी चीज़ को बाहर लेकर के आए तो बिल्कुल रे डायग्राम में गोल्ड फॉइल के अंदर, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गोल्ड फॉइल हैव अ लॉट ऑफ एटम, और बेटा गोल्ड फॉइल के बहुत सारे एटम में से एक एटम को बाहर निकाल करके और पूरा एक्सपेरिमेंट सेट किया है। अब अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट की सेटअप देखें तो आपने प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, मैं रे को नंबर डाल रहा हूँ अभी, नंबर वन एंड नंबर टू, दो इधर से और उसके बाद एक ही आई है, एक नंबर दो नंबर, ये तीन नंबर है, ये चार नंबर है, इसी तरह से इधर से जाएं तो ये हमारी पांच नंबर होगी, ये छः होगी, ये सात और ये आठ और ये नौ। अगर आप बहुत ध्यान से देखें दैट मीन्स अगर हम एक एटम के ऊपर टोटल नाइन रेज अल्फा पार्टिकल की डालते हैं तो नाइन में से वन टू और फाइव सिक्स, ये यानी कि दो और दो चार, नाइन में से चार तो सीधी निकल गई और नाइन टोटल डाली, और फोर अगर आ रही है तो फोर की फिगर, टोटल नाइन में से फोर की फिगर अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर होती है। इसलिए बोला जाता है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। आपको याद होगा, सबको ये पॉइंट रट जाते हैं कि पहला पॉइंट है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो गाइस आज ये बात पता चल गई कि आखिर क्यों, कैसे पता चला, तो पता है ये टोटल नाइन डाली, नाइन में से चार सीधी निकल जाती है, इसलिए हम कह देते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास होती है। फिर क्या हुआ, ये तीन नंबर वाली रेज को देखो, ये तीन नंबर वाली यहाँ तक सीधी गई है और बच्चा यहाँ आकर के अचानक इसको इस तरह से सीधा जाना चाहिए था पैरेलल टू दैट, लेकिन ये थोड़ी सी इधर बेंट कर गई। अब आप सोचो, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पॉजिटिव है और पॉजिटिव बेंड हो रही है, तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, पॉजिटिव अचानक बेंट हो गई, तो पॉजिटिव बेंट इसीलिए हुई है कि पक्का उसके नज़दीक कोई ना कोई दूसरा पॉजिटिव आया है। फिर हमने क्या किया, इससे थोड़े से और नीचे रे नंबर चार को और नज़दीक से डाला, ये और ज़्यादा बेंट हो गई। इसका मतलब चार नंबर वाली रे एक ऐसी रे है जो भी पॉजिटिव पार्ट है उसके बहुत नज़दीक से निकल करके गई है। अब एक जवाब आता है, सर ऐसा भी तो हो सकता था कि एटम में इस जगह पर यहाँ कोई नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी रही हो, क्योंकि अल्फा तो पॉजिटिव है श्योर है, और हो सकता है कि सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हो और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन नज़दीक आया हो आपके अल्फा उस इलेक्ट्रॉन के कारण अट्रैक्ट हो गई हो इसलिए मुड़ गई। बेटा अप्रोच तो सही है बट ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि एक अल्फा हीलियम है 2 to 4 और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट्री पार्टिकल मास पता है ना कितना है, हाइड्रोजन के मास का 1/1837 पार्ट। इसका मतलब लाइटेस्ट नेगेटिवली चार्ज, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेटा ध्यान से सुन लो, लाइटेस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नेवर कैपेबल टू अट्रैक्ट द हैवी पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स इट्सेल्फ। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक लाइट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक हैवी पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, वाइस वर्सा तो हो सकता है, हैवी पॉजिटिव एक नेगेटिव को तो अट्रैक्ट कर सकता है, बट यहाँ पर देखो पॉजिटिव दूर हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल कन्फर्म है कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी आई होगी, और पॉजिटिव अल्फा बहुत ज़्यादा बेंट हो रही है, इसका मतलब वो उस पॉजिटिव चार्ज के बहुत नज़दीक से निकल करके गई होगी। अब देखो ये नाइन नंबर वाली रेज सबसे क्रिटिकल रेज है, नाइन नंबर वाली जहाँ गई वहीं से वापस आ गई, इसका मतलब
ये तो हम कंफर्म कर ही चुके कि एक एटम के सेंटर में पक्का कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, और 9 नंबर वाली रेज जिस रास्ते पर जाती है लगभग उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। लगभग बोल रहे हैं हम, प्लस टू फिजिक्स में जा कर के हम आपको क्लियर कर देंगे कि ये रे इस न्यूक्लियस के टकराती है या नहीं, ये प्लस टू फिजिक्स में क्लियर होगा। अभी फिलहाल देखो रे नंबर 9 जिस रास्ते पर गई लगभग उसी रास्ते पर वापस आ जाती है, तो हम ऐसा कंक्लूजन दे देते हैं कि ये वो अल्फा होगी जो सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के बहुत नज़दीक से निकल करके गई होगी। गाइज एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। पहला पॉइंट, जैसे ही मैं पॉइंट रखूंगा आप मुझे रीजन दे देंगे। फर्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बहुत सारी अल्फा एटम के अंदर से बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो रही है। गई जब सुनना, वाई लगा दो इस पॉइंट के आगे, वाई Why most of the alpha particle pass through the atom without any reflection? क्यों? तो जवाब आएगा, because most of the space inside the atom is empty. Atom में बहुत सारी जगह खाली है, ऐसा इसलिए हो रहा है। Second point पे आए, ray number 3 पर, a few are bent with small angle. जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं, a few are bent with small angle. कुछ ऐसी हैं जो थोड़े से एंगल पर बेंट होती है। इसके आगे वाई लगा दे, वाई ए फ्यू रेज आर बेंट विद स्मॉल एंगल, कुछ रेज एक स्मॉल एंगल पर बेंट क्यों हुई? तो जवाब आएगा, दीज आर दोज अल्फा विच पास नियर टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसका मतलब एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज बॉडी के सिम्टम्स आ रहे हैं। फोर्थ रेज पर देखो, फोर्थ और एट्थ दोनों सेम है, ए फ्यू आर बेंट विद वेरी लार्ज एंगल, कुछ ऐसी हैं जो बहुत बड़े एंगल पर डेविएट हो रही हैं, इनके बारे में बोलेंगे, दीज आर दोज अल्फा विच पास वेरी क्लोज टू सेंट्रल चार्ज बॉडी। ये ऐसी अल्फा रही होंगी जो सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के बहुत नज़दीक से निकल करके गई होंगी। और गाइस 1 out of the 20,000 आर सच, 20,000 पार्टिकल्स अगर इसके ऊपर डालें तो दीज आर दोज अल्फा विच डायरेक्टली हिट द सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये वो अल्फा रही है जो सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के साथ डायरेक्ट हिट हुई है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकल करके आया है, द सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, दैट इज हाईली हार्ड, जिसको डेंस भी बोल देते हैं, हाईली हार्ड एंड डेंस। ये तो कंक्लूजन निकल गए। इसका मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो किस चीज़ का इंट्रोडक्शन आ गया, तो हमारे पास इंट्रोडक्शन आते हैं न्यूक्लियस का। हैंस रदरफोर्ड मॉडल की सबसे अच्छी खासियत क्या थी? तो रदरफोर्ड मॉडल इज इजीली कैपेबल टू जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेंट्रल न्यूक्लियस इनसाइड द एटम। बस एक बात क्लियर कर पाए, एटम की सेंट्रल एग्जिस्टेंस यानी कि न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, तो हमने भी लिख दिया न्यूक्लियस इट इज़ ए सेंट्रल हार्ड कोर इन विच अप्रोक्सीमेटली होल मास ऑफ द एटम इज कंजर्व्ड। ये एक ऐसा सेंट्रल कोर है जिसमें किसी एटम का पूरा मास कंजर्व्ड रहता है। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। अब वैसे देखा जाए तो टॉपिक से ये चीज़ें निकली हुई हैं, बट गाइज पढ़ना तो पड़ेगा इनको, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, दीज आर टोटल नंबर ऑफ, बच्चा देखना डेफिनेशन क्या बोली जा रही है, एटॉमिक नंबर आर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक्चुअल में ये प्रोटॉन है, दीज आर एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और वैसे जनरली पीपल से प्रोटॉन आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है, एंड दीज आर आल्सो इक्वल टू जेड, इसका मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। उसके बाद आता है हमारे पास एटॉमिक मास, इट इज द टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, हमेशा कैपिटल ए से देंगे, दिस इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और गाइस एक बात बोले, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, देन दे आर कॉल्ड एज ए न्यूक्लियॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इफ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, देन दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन।
तो बच्चा अगर न्यूट्रॉन निकालना है, देखो ए निकालना है पी प्लस एन, पी इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ई, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर, और एन अगर निकालना है तो ए माइनस जेड। नीचे कंप्लीट रिप्रेजेंटेशंस दी गई है किसी एक एलिमेंट की, एक्स इज द एलिमेंट, जेड इज द बेस पावर एंड ए बी द रेज पावर। तो जेड बी द एटॉमिक नंबर इक्वल टू बेस पावर ऑफ दैट एलिमेंट एंड ए बी द रेज टू पावर दैट इक्वल टू टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का टोटल मास है। उसके बाद ये वाली जो चीज़ आई हमारे पास, इसीलिए बोला जा रहा है सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, ये जो न्यूट्रॉन आ गया। अब ठीक है, हमने विलियम क्रुक्स को पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, हमने डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज पढ़ी, उसके बाद हमारे पास आज ये न्यूट्रॉन का इंट्रोडक्शन आया है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए गाइज हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स लेकर के आए हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं है, ब्रीफ में बात करेंगे। गाइज 1932 चैडविक, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डन इन 1932 बाई द चैडविक। क्या किया उन्होंने, चैडविक बम्बार्ड द अल्फा पार्टिकल ओनली ऑन द टू एलिमेंट्स। बेटा चैडविक ने दो एलिमेंट्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, एंड दीज टू एलिमेंट्स इज बेरिलियम एंड बोरोन। अगर आप ये कहें सर बाउंड कर दिया, तो जवाब आएगा बिल्कुल बाउंड कर दिया आपको, बेरिलियम और बोरोन दोनों के ऊपर। अब क्या हुआ है, वेन एवर चैडविक बम्बार्ड द अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम एंड बोरोन, देन द नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज सिंथेसाइज अलोंग विद लिब्रेशंस ऑफ ए न्यू पार्टिकल दैट हैव नो एटॉमिक नंबर बट हुज मास इज इक्वल टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन। मतलब जब चैडविक ने बेरिलियम और बोरोन के ऊपर हीलियम पार्टिकल्स को, क्योंकि अल्फा हीलियम होता है, हीलियम पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, तो उन्होंने उससे नेक्स्ट एलिमेंट सिंथेसाइज कर लिया, और साथ में एक ऐसा पार्टिकल लिब्रेट हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर तो जीरो है और मास मास हाइड्रोजन एटम के बराबर है। देखो बेरिलियम 4 to 9 प्लस हीलियम 2 to 4। अब नेक्स्ट एलिमेंट लगेगा इस 4 और 2 6, 6 पे हमारे पास कार्बन आ गया, और 9 और 4 13, हमने क्या किया 12 तो ये रहा और 1 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये जो चीज़ आई है दैट इज़ न्यूट्रॉन 0 to 1। देखिएगा बेरिलियम इज रेस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज द नेक्स्ट एलिमेंट एंड दैट इज कार्बन अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ ए न्यूट्रॉन। लाइक टू एज इसी तरह से हमारे पास बोरोन आ गया 5 to 11 प्लस हीलियम, हीलियम में 2 to 4 आ गया है, 5 और 2 7 होते हैं, यहाँ पर भी 7 आ गया, और एज ऑल वी नो 7 पर नाइट्रोजन है। ऊपर देखिएगा 11 और 4 15, 14 + 1 15 कैपेबल है, और साथ में एक न्यूट्रॉन्स बाहर आ गया। इन दिस वे वी कैन कैपेबल टू डिस्कस द होल डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन्स। इस तरह से हमारे पास न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है। गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।